नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एसएससी सीजीएल 2017 के लिए सीपीटी का थर्ड एक्सरसाइज करेंगे और उसमें देखेंगे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। थर्ड एक्सरसाइज के जो मटेरियल था वो आपको मैं लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, और फोर्थ एक्सरसाइज का जो मटेरियल होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए थर्ड जो हमारा एक्सरसाइज था वो कौन सा था। ठीक है, ये हमारा एक्सेल का एक्सरसाइज था थर्ड वाले का, और ये पावर पॉइंट का है। ठीक, और जो फोर्थ वाला है एक्सेल का वो ये है, ठीक, और पावर पॉइंट का ये है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक और बात है, जो पावर पॉइंट का एक्सरसाइज है उससे मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं। ठीक, आपको पता है क्या करना है इसमें, आपको ये सब लिखना है। ठीक है, ये बॉक्स बनाना है, बॉक्स की विड्थ बनानी है, और इस जो ये रेक्टेंगल है इसका विड्थ बनाना है, और हेडर फुटर का यूज करना है। साथ में आपको यहाँ बुलेट्स का ध्यान रखना है, और अगर रूलर हो तो रूलर का यूज करना है। ठीक, तो पीपीटी में बस इतना ही है, उसके अलावा एक फॉन्ट नेम है और फॉन्ट साइज है। ठीक है, फॉन्ट नेम फॉन्ट साइज जो है आपको पता है कैसे करना है, इसलिए इंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं हो रही है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, और उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कोई सा वीडियो बना लीजिए, कोई भी पीपीटी कर लीजिए। ठीक है, उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ठीक है, आप फॉन्ट अपने हिसाब से ले लीजिए और फॉन्ट साइज भी। ठीक है, ओके, अब करते हैं एक्सरसाइज टाइम ना वेस्ट करते हुए। तुम्हारा एक्सेल का एक्सरसाइज ये है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और सबसे पहले एक्सेल खोलेंगे। तो स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद एमएस एक्सेल। अब इसमें सेव करना है, तो ऑफिस बटन, फिर सेव। सेव क्या करना है, डेस्कटॉप पे करना है। तो स्क्रॉल, ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार के लेफ्ट में डेस्कटॉप लिखा होगा, तब डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब ये डेस्कटॉप पर सेव हो रहा है। ठीक है, और किस नाम से सेव करना है हमें, वहाँ पे हमें सेव करना होता है एसएससी अंडरस्कोर अपना रोल नंबर से, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक, तो ये सेव हो गया, तो हमारा ये सेव हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एसएससी अंडरस्कोर रोल नंबर, चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका खुद का फाइल आ चुका है। ठीक है, और मैं बीच बीच में अपना जो फाइल है सेव करते रहूंगा, क्योंकि मेरी आदत है। ठीक है, बीच बीच में सेव, अब मैं काम करते करते बीच में सेव करते रहूंगा, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। मेरी आदत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पावर कट अगर हो जाए तो मेरा लैपटॉप एक तरह से मॉनिटर जैसा है, तो कभी भी ये बंद हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं करते रहता हूँ। ओके, अब आप भी कर सकते हैं, बीच बीच में सेव करते रहिए, फायदेमंद रहता है हमेशा। ठीक है, ओके, सबसे पहले मैं जो ये कॉलम है इन सब थोड़ा विड्थ में बढ़ा देता हूँ। क्यों बढ़ाता हूँ, ताकि हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो, बाद में हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, और थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप भी देख सके। ठीक है, पांच में एक दो तीन चार पांच कॉलम चाहिए होता है, तो पांचों को आप दिख रहे होगा, पांच ही दिखना चाहिए आपको। तो नेम लिख लेते हैं, नेम, फिर यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर, फिर यहाँ नेम लिखना है वरुण कुमार मंडल, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, और ये राइट लाइन हो गया, पर हमें चाहिए लेफ्ट लाइन, तो अलाइनमेंट वगैरह हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जितना मटेरियल उसे लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे है नेम ऑफ द, फिर ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर नेक्स्ट लाइन के लिए, तो ऑल्ट एंटर हो गया, प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे है टुक ऑफिस लेफ्ट ऑफिस, फिर यहाँ नंबर ऑफ डेज और परसेंटेज ऑफ टर्म साइन, परसेंटेज ऑफ कर ऑल्ट एंटर, फिर यहाँ पे टर्म्स सर्व। ठीक है, हमें लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे नाम लिखना है राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, एस राधा कृष्णन, एस राधा, के बड़ा लिख के मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे के बड़ा कर लेते हैं, जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर एफ अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद हो गया। ठीक, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, डेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लिखा है जनरल। देखिए होम टैब के नंबर ब्लॉक में जनरल लिखा हुआ है, पर हमें डेट चाहिए, तो हम डेट सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे,
मोड नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और आपको कौन सी डेट चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पे डेट पे जाए और आपको चाहिए ये वाला डेट, ठीक है, आपको ये वाला डेट चाहिए क्योंकि आपको जो फॉर्मेट है एक्साइज में वो इस टाइप का है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अब लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है 1/26/1950, हम इसको जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1/26/1950, 5/12/1962, ठीक है। ये देखिए, ये भी अभी जनरल है, जनरल को हम डेट करना है तो डेट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे डेट तो कर लिया है, इन बाकी हमारा जनरल रह गया है, तो इन सबको सेलेक्ट करके हमें डेट करना है, तो मोड नंबर फॉर्मेट्स, डेट और इसको सेलेक्ट करके ओके, तो सबका फॉर्मेट हमारा डेट हो गया है। वैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके मोड नंबर फॉर्मेट्स और डेट, और हमने इसको सेट करके इसको डेट कर लिया है, ठीक। यहाँ पे अब 5/13/1962, फिर 5/13/1968, गलती कर लेते हैं एक बार, 68, मान लो आपने यहाँ पे 1968 लिख दिया, इसको सही कैसे करोगे, आपने सेल को सेलेक्ट किया एक बार क्लिक करके और एक बार क्लिक करोगे, ठीक है, मीन्स दो बार क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे लिखने के लिए आ चुका है, अब यहाँ पे आप एड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप एक बार क्लिक करो और यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, यहाँ जाके आप आराम से एडिट कर सकते हो, ठीक है, जैसे 13 का ऊपर हटा दिया, 1 लिख दिया, तो आराम से एडिट कर सकते हो। मैं सेकंड वाले मेथड को प्रेफर करता हूँ यहाँ पे जाके करने का, ना कि यहाँ पे दो बार क्लिक करके, तो यहाँ पे हमें बहुत आसानी से दिखता है, तो हम आसानी से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया 13/5/1967, यहाँ पे 8/24/1969, फिर 8/24/1974, ठीक है। यह है 5/12/1962, से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, 5/12/1962, ठीक है। उसके बाद है 13/5/1967, ये भी 13/5, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट करते रह रहे हैं हम, तो ये भी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है 5/3/1969, फिर है 24/8/1974, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, फिर यहाँ पे 2/11/1977, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने सेव कर लिया कंट्रोल एस दबा के, ठीक, और ये देखिए हमें सारे डिटेल सही से लिखे हैं, लिखे वो सबसे मेन है, तो हमने चेक कर लेते हैं 1/26/1950, 5/13/1962, 5/13/1967, 24/8/1969, 24/8/1974, 5/12/1962, 13/5/1967, 3/5/1969, 24/8/1974, 11/2/1977, ठीक है, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, इसको थोड़ा सा सॉरी एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस पे, अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। तो देखिए फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट पॉइंट, ओपन न्यू वर्कबुक एक्सेल एंड मेक एक्सरसाइज सिमिलर एज गिवन इन द पेज, तो हमने ओपन करके सिमिलर एक्सरसाइज वर्कबुक बना लिया है। फिर सेट पेपर साइज टू A4, तो पेपर साइज कहां से मिलेगा, पेज लेआउट के पेज सेटअप पर, यहां साइज का ऑप्शन है, यहां से आप A4 कर लेंगे। फिर ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन यहां से लेंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे। चेंज फॉन्ट साइज ऑफ ऑल सेल्स टू 11, तो सारे सेल्स का फॉन्ट साइज 11 करना है, तो सबको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और होम पे जाके फॉन्ट साइज 11 कर देंगे, 11 पहले से ही है, अगर नहीं होगा मान लो 12 करना तो यहाँ से 12 कर देंगे, 11 करना हो यहाँ से 11 कर देंगे। एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, तो फॉन्ट नेम के लिए हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ से हम एरियल कर देंगे। उसके आगे मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4 एंड चेंज योर फॉन्ट साइज टू 14, ओके। मैंने यहाँ पे एक चीज जानबूझ के कुछ छोड़ा था, देखिए आप रो 4 जो है हमारा टेबल हेडिंग है, ठीक है, जो रो 4 होगा हमारा टेबल हेडिंग है, पर मैंने यहाँ पे टेबल नेम है, पर मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया, तो मीन्स हमें एक रो हमने कम बना दी यहाँ पे अपने एक्सरसाइज में, तो हमें एक रो ऐड करना होगा। कैसे ऐड करोगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया रो पर और यहाँ से राइट क्लिक करके आपने इंसर्ट क्लिक कर दिया, तो ये आपको एक रो एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर एक रो आ गया है, वो आपको एक्स्ट्रा मिल गया है।
अब इसको आप मर्ज आराम से कर सकते हो। इन पांचों को मर्ज करने के लिए कैसे करते हैं वो भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबाओ, एक सेल सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट दबाओ और एरो की इसका यूज कर लो, तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे होम टैब के अलाइनमेंट में, तो मर्ज हो गया। ठीक है, आपने जो लिखा लिख लेते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट इन्यूरेशन, इंडियन प्रेसिडेंट एंड ड्यूरेशन। ठीक है, ओके, हमने इसको मर्ज कर दिया है। फॉन्ट साइज को 14 करना है, फॉन्ट साइज को हमने 14 कर दिया है। उसके बाद मेक इट बोल्ड बोल्ड कर दिया है। डबल अंडरलाइन करना है, तो यहां से देखिए अंडरलाइन के बगल में एक एरो है, वहां पे क्लिक कीजिए और डबल अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो डबल अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद एंड सेंटर लाइन, तो देखिए सेंटर लाइन यहां से होता है, ये सेंटर लाइन हो चुका है। ठीक, ओके, मेक हेडिंग्स ऑफ टेबल बोल्ड एंड सेंटर लाइन। जो हेडिंग है टेबल्स के उसको बोल्ड और सेंटर लाइन करना है, तो बोल्ड कर लिया और सेंटर लाइन कर दिया। ठीक है, ओके, राइट अलाइन द फिगर्स, तो जो फिगर्स डेटा जो डेटा वगैरह है उसको राइट अलाइन करना है। सबको सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने राइट अलाइन कर लिया। सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता है, एक तो बता दिया शिफ्ट से, दूसरा है कि आपने एक सेल सेलेक्ट किया और माउस को ड्रैग करते हुए, जो आपको एक चीज ध्यान रखिए, जो प्लस सिंबल है ना व्हाइट वाला होना चाहिए, जो प्लस सिंबल है जो व्हाइट वाला दिखना चाहिए, सिंबल है जो माउस के साथ, जो माउस का पॉइंटर है वो प्लस सिंबल है व्हाइट वाला, ठीक, डॉक्टर वाला, वो होना चाहिए। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ओके, तो हमने सबको सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने राइट अलाइन कर दिया। ठीक है, राइट अलाइन से ही हो गया। और उसके बाद क्या है, सातवां पॉइंट, चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ डिफरेंस एंड परसेंटेज कॉलम इज गिवन। तो डिफरेंस और परसेंटेज कॉलम को, हमें बैकग्राउंड को हमें क्या करना है, चेंज करना है जो गिवन है, तो येल्लो गिवन है, सबको सेलेक्ट कर लिया। और देखिए यहाँ पे क्लिक करके हमने येल्लो ले लिया। ठीक है, साथ में आपको पता ही है कि जो टेबल है टेबल्स को हमें ऑल बॉर्डर करना है, तो उसे पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ से एरो से हमने यहाँ ऑल बॉर्डर ले लिया। ठीक है, और बीच में सेव करते रहूंगा मैं। ठीक है, सातवां पॉइंट होगा, यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन टू गेट द वैल्यूज। तो नंबर ऑफ डेज करने के लिए आपको इसमें से ये माइनस करना होगा, तो इक्वल टू C6 माइनस B6, तो आपका नंबर ऑफ डेज आ गया है। ठीक है, और इसको ड्रैग कर लीजिए, तो आपके सारे डेज आ गए हैं। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमा भी है। ठीक है, एक सेपरेटर है कॉमा। ठीक, तो इस सेपरेटर का यूज कैसे करेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे नंबर पे। ठीक है, नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए यूज सेपरेटर लिखा हुआ है, यूज सेपरेटर, तो हमने यहाँ पे लिख कर दिया। और कितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि दो चाहिए, तो हमने 1000 का सेपरेटर यूज कर दिया, तो हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे सेपरेटर आ गया है। ठीक है, और डेसिमल हमें चाहिए नहीं, देखिए यहाँ पे डेसिमल हमें चाहिए नहीं, तो हम डेसिमल को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, वही डिक्रीज डेसिमल करके। ठीक है, तो ये डेसिमल हमारे हट गए। ओके, और उसके बाद क्या आता है हमारा, परसेंटेज ऑफ टर्म्स एंड, कैसे निकालना है। देखिए 100% जो है वो 5 ईयर्स के बराबर होता है प्रेसिडेंट का, तो 5 ईयर्स किसके बराबर होता है, 4 × 365 प्लस 366 डेज। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कितना परसेंट है, तो हम इक्वल टू दिस अपॉन कितना करेंगे, 4 × 365 प्लस 366, तो यहाँ पे 4 × 365 प्लस 366, जो ये वाला एक्सरसाइज है मैंने खुद बना है। ऐसा एक्सरसाइज आपका सीपीटी में नहीं आएगा, लेकिन मैंने बनाया है ताकि आपका एक्सरसाइज एक्सेल की प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर हम सीपीटी जैसे एक्सरसाइज लगातार करते रहेंगे, 8 या 10 एक्सरसाइज सीपीटी जैसे वाले करेंगे, तो हम बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए मैंने ये वाला एक्सरसाइज बनाया है। ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, आप एंटर दबा दीजिए। ठीक है, आपने एंटर दबा दिया, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू आ गई है, पर यहाँ पॉइंट में आया है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटू 100 नहीं किया है, इंटू 100 नहीं किया, या आपने परसेंट सिंबल का यूज नहीं करा। ठीक है, तो आप परसेंट सिंबल का यूज कर लो या इंटू 100 कर दो, बात बराबर है, तो मैं परसेंट सिंबल का यूज कर रहा हूँ, इससे आपका परसेंटेज आ गया है। ठीक है,
अब इसको हम ट्रैक कर लेंगे जिससे कि ये सब जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक है, हमने ट्रैक कर दिया। आप देखिए, आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए, तो इन सबको सिलेक्ट कर लिया और डिक्रीज डेसिमल कर दो। डिक्रीज डेसिमल करोगे तो ये कम होता जाएगा। अब 2 पॉइंट तक हमारा आ गया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ गई है, सब कुछ हमने कर दिया है। आगे देखते हैं क्या क्या है। 8 पॉइंट होकर 9 तक क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन द अबव वर्कशीट, हमने बॉर्डर भी बना दिया है। एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड, अब हमें हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो एडजस्ट करते हैं। देखिए, रोल नंबर यहाँ पे जो है गायब हो जा रहा है, इसको सही कर लेते हैं। और नाम भी जो है ना इंसान का, प्रेसिडेंट का हमारे, वो भी छुप जा रहा है। ठीक, तो हमने इसको सही कर दिया है। फिर यहाँ पे टुक ऑफिस को भी सही कर लेते हैं। ठीक, लैपटॉप इसको भी सही कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को भी सही कर लेते हैं, और परसेंटेज ऑफ टर्म सब को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब हमारा सेंटर लाइन है, तो इन सबको सेंटर लाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ये डेटा जो है हमारा राइट लाइन होना चाहिए था, डेटा हमारा राइट लाइन है, अच्छी बात है। टुक ऑफिस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और लेफ्ट ऑफिस को भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो हमारा प्रिंट होगा वो हमारा 1 पेज पे होगा। कैसे पता आपको? क्योंकि डॉटेड लाइन के आपके लेफ्ट में सारे वैल्यूज। ठीक है, तो आपका जो प्रिंट होगा एक ही पेज में होगा। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। प्रिंट प्रीव्यू 1 पेज में है या नहीं है, देखिए पेज 101 लिखा हुआ, तो एक ही पेज में है। ठीक है, अब एक बार सब सारे अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। जो हमारा टेबल की हेडिंग है, देखिए टेबल की हेडिंग है, ये हमारा बॉटम लाइन हो रखा है, बॉटम लाइन, पर इसे हमें टॉप लाइन करना है। तो इस टेबल को हेडिंग को सेट कर लो और यहाँ से टॉप लाइन कर दो। ठीक है, तो टॉप लाइन हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये सब कुछ सही हो गया, नेम आ गया, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सेव कर लेते हैं। आपको एक चीज क्या एंटर करना था, ये फाइल पाथ नेम एंड रोल नंबर इन हेडर एंड फुटर सेक्शन। देखिए, रोल नंबर आपको देने की जरूरत नहीं है, मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया गलती से, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बस आपको फाइल पाथ और नाम देना है, तो मैं फाइल पाथ और नाम दे देता हूँ। इंसर्ट, इंसर्ट टैब के हेडर एंड फुटर पे जाओगे और आपको यहाँ पे फाइल पाथ देना है, फाइल पाथ यहाँ है, और नाम आपको यहाँ लिख देना है। आपका जो एक्सरसाइज है पूरी तरह बन चुका है, सेव कर लेते हैं और व्यू में जाके इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज देख सकते हैं आप, आपका एक्सरसाइज काफी अच्छे से बन गया है। इसमें आपको 100 नहीं तो कम से कम 90 नंबर तो मिलने ही चाहिए, है ना? मुझे लगता है इसमें 95 तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी होनी ही थी, होनी थी। ठीक है, जो इससे इसको मैनेज कर रहे हैं, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आनी ही आनी है ना? इसीलिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव की दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारे पॉजिटिव है, हमें एब्सोल्यूट का भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, बस आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या देखा कि हम डेट से डेट को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या देखा कि आप कॉमा सेपरेटर का यूज कैसे करना है। ठीक है, आपने दो चीज देख लिए इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा, और एक डबल अंडरलाइन भी आपने देखा है, डबल अंडरलाइन। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, अब प्रिंट प्रीव्यू में देखिए, आपका यहाँ पे डबल अंडरलाइन है, दिख रहा है? और नहीं दिख रहा है तो इसको और सही से कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, और इसको आप सेंटर अलाइन के साथ मिडिल अलाइन भी कर दो। ठीक है, आपको डबल अलाइन दिखेगा। अब फिर प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको डबल अलाइन दिख रहा है यहाँ पे, डबल अंडरलाइन, सॉरी, डबल अंडरलाइन दिख रहा है, अच्छी बात है, मीन्स आपको हर चीज क्लियर दिख रहा है। तो आप प्रिंट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। फिर प्रिंट करने के बाद जो हार्ड कॉपी होगी, जो 1 पेज निकलेगा प्रिंट करके, वहां पे आप अपना नेम, रोल नंबर वगैरह जरूर लिखिएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया एक्सेल। अब करते हैं पावर पॉइंट। एक्सेल में एक एरर रह गया है, इसको हमें लेफ्ट लाइन करना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सब चीजों का। ओके, अब करेंगे हम पावर पॉइंट, इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद पावर पॉइंट एक्सरसाइज क्या है, ये वाला है। ठीक, पावर पॉइंट खोलते हैं, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, फिर फाइल में ऑफिस बटन, सेव, फिर यहाँ पे स्क्रॉल बार में डेस्कटॉप, फिर यहाँ पे सेव करेंगे एसएससी
ssc_123456780, फिर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ सेव होगा? डेस्कटॉप पे सेव होगा। सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेव हो गया पावर पॉइंट। ओके, अब जो जैसा गिवन है वैसा हमें क्या बनाना है, स्लाइड बनानी है, तो बनाते हैं। तो लेआउट चेंज कर लेते हैं। देखिए लेआउट यहाँ लिखा है, लेआउट को मैंने ये वाला लेआउट ले लिया है, टाइटल एंड कंटेंट वाला, तो लेआउट चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पे लिखना है इंडियन प्रेसिडेंट इन इंडिया, ये क्या लिखा मैंने, ठीक है, जैसा लिखा है वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट से पता चल जा रहा है कि प्रेसिडेंट्स इंडिया के ही हैं, थोड़ा गलत गलत लाइन हो गई है, कोई बात नहीं। इंडियन प्रेसिडेंट्स, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर से नेक्स्ट लाइन पे इन इंडिया, ठीक है। अगर आप सिंपल एंटर का यूज करोगे तो कितनी कौन से लाइन पे जाओगे, सिंपल एंटर का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिफ्ट एंटर करो या सिंपल एंटर करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट्स इन इंडिया लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे फिर लिख दिया यहाँ पे, बुलेट को हटा दो, बुलेट हट गया, फिर यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट्स इन इंडिया, लाइन थोड़ी गलत है लेकिन कोई नहीं। फिर यहाँ पे क्या लिखना है हमें, अगली लास्ट अगली लाइन की एंटर, सॉरी एंड के बाद एंटर, फिर यहाँ पे आपको एक बुलेट लेना है और लाइन लिखनी है। तो बुलेट लेने के लिए आपको यहाँ पे जाना है पैराग्राफ, होम टाइप के पैराग्राफ में ड्रॉप डाउन से आपने एरो वाला बुलेट ले लिया, फिर लिख लेते हैं देयर हैज बीन 14 प्रेसिडेंट्स इन इंडिया टिल 2019। फिर ऑन, देखिए मैंने 2019 का मैंने शिफ्ट एंटर दबाया है, शिफ्ट एंटर ध्यान रखिएगा, शिफ्ट एंटर का यूज किया मैंने, ठीक है। फिर ऑन जुलाई 2017 रामनाथ कोविंद टुक ऑफिस, मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है पर आप अपनी एक्यूरेसी अच्छी रखिएगा, एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज रह गई है बतानी है आपको, वो है रूलर, ठीक है। जो मैं यहाँ पे मैं एक्सरसाइज बना रहा हूँ तो रूलर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन ऐसे ले ले रहा है, पर जब वहां पे यूज करोगे तो आपको जो रूलर दिख रहा है आपको वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए नहीं दिख रहा, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल वाई कर लेते हैं, तो रूलर को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको रूलर दिख रहा है, ठीक है। और जो एक्चुअल एग्जाम में होगा ये दोनों ये दिख रहा है आपको, डमरू जैसा है ना, डमरू जैसा, वो आपको एग्जाम में डमरू जैसे दिखेगा। और ये देयर के सीधे लाइन में नहीं है, ठीक है, देयर के बाद यहाँ पे देखिए ऑन इधर खिसक जा रहा है, हमें ऑन को इधर खिसकाना राइट साइड, कैसे खिसकाओगे, इस डमरू वाले भाई को यहाँ खिसका दो, तो ये यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आपको रूलर आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे व्यू टैब पे जाएंगे और रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपको रूलर हटेगा, फिर क्लिक करेंगे तो रूलर दिखेगा, ठीक है। तो रूलर पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हमने लिख दिया है, सेव कर लेते हैं, होम टैब पे चले आते हैं और इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा छोटा और थोड़ा नीचे, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा नीचे, जो साइज इसका थोड़ा ज्यादा है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 44 या 48, 44 ही रखते हैं। और इसे टाइम्स न्यू रोमन पे देखते हैं कैसा बनता है, टाइम्स, हाँ ठीक है, ये टाइम्स न्यू रोमन जैसा ही था, अच्छी बात है, टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने, ठीक, इसको भी टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। देखिए वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि आपको कौन से फॉन्ट की जरूरत है, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन होगा, ठीक है, यहाँ मैं दे नहीं रहा हूँ, आपको पता है कैसे फॉन्ट चेंज करते हैं, कैसे फॉन्ट का साइज चेंज करते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने सब कुछ कर दिया, अब ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम विड्थ दे देते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स सेट कर लिया कैसे, आपने यहाँ पे क्लिक किया, बीच में क्लिक क्लिक क्लिक्ड है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब कुछ भी लिख सकते हैं जब टेक्स्ट बॉक्स जो है डॉटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इस डॉटेड वाली जगह पे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे चौकोर जैसा कुछ आ गया है, ठीक है, प्लस जैसा दिख रहा है आपको, तो आप क्लिक करेंगे ये डॉटेड से सॉलिड लाइन बन जाएगा, जब ये सॉलिड लाइन बन जाएगा
मीन्स आपका ये बॉक्स सिलेक्टेड है। अब बॉक्स को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो मतलब, ठीक है, एरो की इसके सहारे, या कंट्रोल एरो को इसका भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल एरो से थोड़ा धीरे धीरे मूव करता है, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये इसका विड्थ देना है, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेव कीजिए, और लाइन स्टाइल पे आएंगे और विड्थ दे देंगे। और आपको पता है मैं कितना विड्थ देता हूँ, यहाँ पे 4 देता हूँ, ठीक है। ओके, आपको वहां पे एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन गिवन होगा, उसके हिसाब से विड्थ दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे क्या करते हैं वो आपको दिख जाना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये आपका विड्थ हो गया है और आपका ये बन गया है। साथ में बाहर एक और एक बॉक्स है, वो बॉक्स कैसे आएगा, इंसर्ट टैब पे जाओगे, शेप्स पे रेक्टेंगल सेट कर लो, और रेक्टेंगल को सेट करने के बाद ये बॉक्स आप बना दो, थोड़ा जगह छोड़ते हुए बनाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक। अब ये बॉक्स को है ना थोड़ा मूवमेंट कर दो, थोड़ा सेंटर में लेके आओ, तो कंट्रोल और शिफ्ट बटन, कंट्रोल और एरो बटन के साथ इसको थोड़ा मूवमेंट दे दो, ठीक है। तो आपको आपने यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपने इसको मूवमेंट दे दिया है, थोड़ा सेंटर पे लेके आ गए हैं, ठीक। अभी देखिए आपको पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको ये हटाना है, तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट शेप कीजिए, और यहाँ पे नो फिल कर दीजिए, ठीक है। नो फिल करोगे ये हट गया और ये आ गया, ठीक है। तो देखिए आपने ये भी लिख दिया है, आपने इधर भी लिख दिया है, आपने बुलेट का भी यूज कर लिया है, और आपने रूलर का भी यूज ऐसे कर लिया है। बच्चा क्या हैडर एंड फुटर, ठीक है। तो हेडर फुटर कहाँ से आएगा, इंसर्ट टैब पे हेडर एंड फुटर आएगा, क्लिक किया, डेट एंड टाइम ले लिया, तो डेट एंड टाइम यहाँ पे थर्सडे ये गिवन है, तो हमने यही ले लिया, संडे ले लिया, संडे 2 जून। फुटर में अब अपना नाम लिखोगे, हिम मंडल, और यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन गिवन होगा, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए, ठीक है। और नहीं भी गिवन होगा तो आपको पता है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे, तो देखिए आपका यहाँ पे ये डेट आ गई और नेम रोल नंबर आ गया, थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक। और इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो होम टैब पे जाके यहाँ पे राइट अलाइन कर देंगे, तो यहाँ पे खिसक गया ये, ठीक है। ये आपका सिलेक्टेड है, और कंट्रोल दबाओ और इसको भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। दोनों सिलेक्टेड हो गए, और दोनों को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, वैसे ऊपर लेके चले गए। और इसका जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको मैं 18 ले लूँ, 18 ज्यादा हो जाएगा, 16 ले लेते हैं, ठीक है। और जो कलर है थोड़ा डार्क है, तो इसको थोड़ा बोल्ड करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप प्रिंट भी चेक कर लीजिए, क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा डार्क कर देते हैं इसे, तो डार्क करने के लिए क्या है, होम टैब पे जाके प्रेस रेड तो कर लो, ठीक है, सिलेक्टेड है। होम टैब पे जाके ये जो कलर है यहाँ चेंज करते हैं और ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, फॉन्ट साइज भी दे दिया है, और इसको थोड़ा स्पेस देके थोड़ा बीच में ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये है, डेट भी आ गया, नेम भी आ गया, रोल नंबर भी आ गया। इसका मतलब ये कि आपका जो पूरा एक्सरसाइज बन चुका है पावर पॉइंट का भी, ठीक है। पावर पॉइंट बहुत ही आसान काम है, आप वहां पर 5 मिनट में बना सकते हो, ध्यान रखिएगा 5 मिनट में, ठीक है। और एक्सेल में आपको 10 मिनट लग सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां बहुत सारे डेटा हमें एंटर करने होते हैं, फॉर्मूला यूज करना होता है, अलाइनमेंट सही करनी होती है, रो का विड्थ और हाइट का विड्थ चेक करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्सेल में यूज करना होता है, इसलिए आपको 10 मिनट लग सकते हैं। 15 मिनट इसलिए काफी है एक्सेल के लिए भी, पावर पॉइंट के लिए भी, ठीक है। अगर आप दोनों बना लोगे, जैसे मैंने अभी बनाया है, तो आपके 200 में से 180 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मेरे खुद के लास्ट टाइम 200 में से 182 मार्क्स थे, ठीक। तो आपने आप एक्सेल बना लिया, पावर पॉइंट बना लिया, तो खत्म ही कर लेते हैं ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। और जो फोर्थ एक्सरसाइज का जो मटेरियल है वो आपने पहले ही देख लिया है, ये देखिए फोर्थ एक्सरसाइज मटेरियल हमारा ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको खुद चार्ट बनाने के लिए दे दिया कि आप खुद चार्ट बनाओगे, और ये हमारा पावर पॉइंट का मटेरियल है, ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जैसा मटेरियल देख रहे हैं वैसे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक्चुअल एग्जाम में आपको जो लास्ट के 2 कॉलम्स है ना, यहाँ पे आपको डेटा गिवन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, एक्चुअल एग्जाम में डेटा गिवन नहीं होता है। पर डेटा गिवन ना भी हो तो क्या दिक्कत है, आपको पता है ये जो
सेकंड लास्ट कॉलम में आपको यहाँ पे इक्वल टू फिर दिस माइनस दिस करना है, दिस माइनस दिस, बस इतना करना है, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। अब परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता ही है कैसे निकालना है, दिस अपॉन दिस, दिस कॉलम अपॉन दिस कॉलम इंटू 100 और परसेंटेज, ठीक है। तो दो कॉलम आपको पता ही कैसे निकालना है, तो डेटा दे या ना दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पॉइंट्स दोस्तों, पॉइंट्स हमें बराबर रखना चाहिए, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी कर दी है मैंने, ठीक है। तो आप दो डेसिमल का यूज कीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे दो डेसिमल का यूज कीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज वाले कॉलम पे। तो एक्सरसाइज यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सबको सही से समझ में आ रहा हो, ठीक। और ये तीन चार एक्सरसाइज के बाद पांचवे एक्सरसाइज में थोड़ा सा अलग मटेरियल यूज करेंगे, मीन्स पावर पॉइंट देखिए थोड़ा मोनोट्रस टाइप का जा रहा है हमारा, तो ऐसा करेंगे कि हम थोड़ा सा एनिमेशन भी ट्राई करेंगे, ठीक है, फिफ्थ या सिक्स एक्सरसाइज से, ठीक है, थोड़ा एनिमेशन भी ट्राई करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और फॉर्मूले जो हम एक्सेल में यूज कर रहे हैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा यूज करने की कोशिश करेंगे फिफ्थ वीडियो से, ताकि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख सके। सीपीटी का कर ही लोगे अच्छे से मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखने में क्या है, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लेंगे। और लास्ट के जो दो या तीन वीडियो होंगे पेपर से पहले, पेपर से लगभग तीन या एक हफ्ते, 3 दिन या एक हफ्ते पहले मैं लास्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो सीपीटी जैसा ही होगा, ठीक है। तो अब खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।